विश्वव्यापी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश का हर नागरिक अपनी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। ऐसा ही कार्य हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के गांव करा की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की छात्रा वैष्णवी भी अपने नन्हे हाथों से मास्क बनाकर देश सेवा के लिए अहम भूमिका अदा कर रही है। नन्नी वैष्णवी ने पीएम मोदी के आह्वान और स्थानीय विधायक कमलेश कुमारी को आदर्श मानकर मास्क बनाने के काम शुरू किया है। वैष्णवी अपने नन्हे हाथों से दिन में 10 से 20 मास्क तैयार कर रही है और राहगीरों को कोरोना से एहतियात रखने के लिए मास्क बांट भी रही है। वैष्णवी द्वारा मास्क बनाने के कार्य को लोग भी जमकर सराहना कर रहे हैं। करहा की बेटी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है जो लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते नियमों को ताक पर रखकर खुले में बिना मतलब घूम रहे हैं और सरकार के आदेशों को नकार रहे हैं। वहीं वैष्णवी की माने तो वह स्वयं कोरोना महामारी से बचने के लिए घर पर रहकर दिन में 10 से 20 मास्क तैयार कर रही हैं ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। वैष्णवी ने बताया कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए घर में मास्क तैयार कर रही हूं और दिन में 15 से 20 मास्क बनाकर लोगों में बांट रही हूं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेवेंथ। बेटा आप ये मास्क बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ये मास्क? कोरोना बीमारी फैल रही है इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो बेटा आपको ये बनाने का शौक कैसे, आपने कहाँ से सीखा ये? मैंने यूट्यूब और फेसबुक से हमारी विधायक श्रीमती कमलेश कुमारी जी को बनाते हुए देखा। तो अभी तक बेटा आपने कितने मास्क बना दिए? मैंने 10 से 20। तो आपको किसी ने सिखाया कि जैसे आपकी मम्मी ने सिखाया या पापा ने सिखाया मशीन चलाना? मम्मा, मैं दिन में 1 घंटे में 10 से 20 मास्क तैयार करती हूँ। सड़क पे चले होते हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए होते हैं कि आप अपने घर पे रहो और मास्क बनाओ और खुद भी लगाओ। वैष्णवी की माता अनीता ने बताया कि बेटी के इस कार्य को लेकर खासी उत्साहित हैं। वैष्णवी हर रोज 10 से 20 मास्क बना लेती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसको मास्क बनाना था। एक दिन अकेले बना रही थी तो ये ले गई अपनी दादी के पास कि हाँ मास्क बना रही है, बनाया है मैंने भी। मम्मी पूछ रहे थे कि तूने सिखाया, मैंने बोला नहीं, इसने खुद ही देख देख के बनाया, पर बहुत अच्छे बनाती है और भी हर काम के लिए परफेक्ट है। जिस काम को हाथ डाल देगी उसको बिल्कुल प्रोफेशनली करेगी। डांस में इंटरेस्टेड है, पढ़ने में भी ठीक है। जब मैं मास्क बना रही होती हूँ तो खाना बना देती है, बर्तन साफ कर देती है। वहीं वैष्णवी के पिता मनुपाल ने अपनी बच्ची के द्वारा इस तरह मास्क बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि देश सेवा के लिए लगी हुई वैष्णवी बढ़िया काम कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी छोटी सी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज छोटी सी बच्ची का ये जो काम है, सारे देश को जरूरत है मास्क की और इतना बढ़िया काम कर रही है। और मैं तो बोलता हूँ कि सारी जितने भी देश की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो सारी बच्चियाँ ये मास्क बनाएं और सब लोगों का सहयोग करें। इसके लिए मैं अपनी बेटी का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो अच्छा काम कर रही है। वैष्णवी की दादी ने बताया कि वैष्णवी पढ़ाई के साथ साथ हर गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका निभाती है और अब महामारी के चलते मास्क बनाने में लगी हुई है जिससे लोगों को बीमारी से बचने के लिए मदद मिलेगी। देश की सेवा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और जो ये सीखती देखती है उस काम को अच्छे ढंग से करती है और बड़ों का भी बहुत आदर करती है। बाकी रोटी बनाने के लिए बहुत गेस्ट है इनको, आज जिसने पूरी बनाई पर आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि बच्चे का काम कैसा है। स्थानीय निवासी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि नन्ही बच्ची मास्क बनाकर बांटने का काम भी कर रही है जो कि सराहनीय है और इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम सब के लिए ये प्रेरणा बनकर उभरी है बच्ची। और मैं अन्य जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, मातृशक्ति है, वो इस बच्ची से प्रेरणा लें।